नमस्कार दोस्तों मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आइए बात करते हैं सिल्वर एम की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एम का चार्ट है जिसमें मैंने पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है क्या हमें बाइंग करनी चाहिए सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले तो आइए शुरू करते हैं पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पर सिल्वर एम का चार्ट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सिल्वर के जो वीडियोस हैं उसमें थोड़ा सा एक ब्रेक रह सकता है अभी और आने वाले टाइम में एक्चुअली सिर्फ सिल्वर नहीं कमोडिटीज़ के वीडियो में इनफैक्ट और ये ब्रेक लगभग अभी कम से कम एक महीना और चल सकता है तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सिल्वर के वीडियो आएँ सिल्वर के वीडियो आएँ तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ये अपलोड कर रहा हूँ बाकी देखते हैं आगे कि मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता आ, जो क्रिप्टो है उसके लिए दूसरा चैनल जो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है वो रहेगा और जो इक्विटी है उस पर मेरी कोशिश है कि निफ्टी पे मैं रेगुलर अपडेट अभी देता रहूँ बाकी किसी किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे जो थोड़ा सा एक ठीक लगेगा मुझे उस पर उसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो डेली या फिर दूसरे तीसरे दिन अपलोड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि आप अपने फ़ोन नंबर के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ आप मुझे टेलीग्राम पर मार्केट रिपोर्ट ज़ीरो एट पर आप मैसेज कर सकते हैं जिसको लेकर मैं एक लिस्ट ज़रा प्रिपेयर करूँगा और उसके बाद क्या करना है उसमें वो थोड़ा मैं आप, आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरीके से हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इस चीज़ को लेके के जब तक अगर वीडियोस नहीं हैं तो लेवल्स कौन से रहेंगे क्या मेरा व्यू है वो मैं आपके साथ कैसे शेयर करूं ठीक है तो वो मार्केट रिपोर्ट ज़ीरो एट पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लोकेशन एज और इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये कुछ चार पाँच चीज़ें इनकी डिटेल के साथ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं सिल्वर में जो अभी का मेरा व्यू है वो अगर सिंगल लाइन में मैं आपको बताऊं तो वो पॉजिटिव नहीं है ठीक है नेगेटिव है पहली चीज़ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी कोई भी लॉन्ग पोजिशन है हम लेवल्स को तो डिस्कस करेंगे देखिए पहले एक बार चार्ट पे नज़र डाल लेते हैं प्राइस ऊपर नीचे और यहाँ कंसोलिडेट कर रहे हैं फ़िलहाल भी मार्केट जहाँ ट्रेड कर रहे हैं वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे है थोड़ा सा और आगे चलते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है मार्केट में यहाँ भी अगर हम देखें तो मार्केट में एक कंटिन्यूस एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है प्राइसेस नीचे फिर नीचे सिक्सटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी सेवन और थोड़ा आगे चलते हैं कहीं पर भी आपको कोई ग्रोथ स्टोरी नज़र नहीं आएगी ये यह, यहाँ भी अगर हम देखें तो जितना भी यूक्रेन रशिया अभी तो बोलने लग गए हैं कि इसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है सिल्वर uh, के प्राइसेस में और ज़्यादा जै, जैसे जैसे मार्केट में एक स्टेबिलिटी नज़र आएगी सिक्सटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी एट यहाँ के प्राइसेस मार्केट होल्ड हो रखा है और ये और ज़्यादा नीचे की तरफ मूव कर सकता है इसके चांसेस अभी लग रहे हैं और वो लगने का रीज़न क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में एक अपसाइड स्ट्रेंथ फिर एक रिकवरी की कोशिश वापस मार्केट नीचे ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाया सिक्सटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी का करंट प्राइस है ये पूरा का पूरा जो एक क्लस्टर आप देख रहे हैं कैंडल्स का ये और ज़्यादा ब्रेक होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है और जैसे जैसे ये ब्रेक होता रहेगा देखिए मेरे बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ में एक चीज़ नजर आ रही है कि मार्केट सिक्सटी वन थाउजेंड को टेस्ट करने की कोशिश करेगा इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं ठीक है मार्केट में रिकवरी की उम्मीद अभी एकदम से करना वो थोड़ा सा मुश्किल है लेवल्स को हम जरूर डिस्कस करते हैं अभी के कौन कौन से लेवल्स हैं अभी जो नज़र आ रहे हैं इसमें उसके लिए हम पहले चलते हैं पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे ठीक है यहाँ पर हम लेवल्स को थोड़ा आ, डिस्कस कर पाएंगे कि वो कौन से लेवल्स हैं जो अभी हमें ध्यान रखने हैं देखिए दोस्तों सेंटिमेंट्स जो हैं वो मार्केट के एक निगेटिव हैं नीचे की तरफ मार्केट को ले जा रहे हैं तो उसमें लेवल्स uh, हमारे लिए किस तरीके से काम आ सकते हैं पहली चीज़ के मार्केट में अगर कोई भी रिकवरी आ सकती है या फिर मार्केट में अगर आपकी कोई शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करना है वो स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए देखिए मेरा व्यू है ये 62,925. इफ़ इट सस्टेन अबव दिस लेवल फॉर 15 टू 20 मिनट्स अगर इसके ऊपर ये 15-20 मिनट के आसपास या उससे ज़्यादा सस्टेन कर जाता है तो आपको इंट्रा डे में एग्जिट कर लेना चाहिए उसके बाद एक री एंट्री के लिए कोशिश हो सकती है कहीं पर, पर उस टाइम वो कौन सा लेवल होगा री एंट्री के लिए वो तभी देखा जाएगा जब ये आ, मार्केट जो है इस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा अदरवाइज़ एक चीज़ मैं बहुत क्लियर आपको शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि मेरा व्यू बिल्कुल इसमें इस तरीके का है कि लॉन्ग पोजिशन को होल्ड करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की रह सकता है देखिए मार्केट में कुछ एक रिकवरी के चांसेस शायद हो सकते हैं पर मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा निगेटिव हैं रिकवरी के चांसेस में मार्केट हो सकता है थोड़ा सा ऊपर आ जाए पर आप उस चीज़ के लिए देखिए फेलियर कहाँ पर नज़र आता है जब आपने कोई चीज़ मान लीजिए सिक्सटी फोर थाउजेंड पर लिया ठीक है और एक एग्जांपल ले लेते हैं सिक्सटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड मार्केट चल रहा है अब पाँच सौ पॉइंट का वेट करते रह जाएंगे और हो सकता है कि सिक्सटी फोर थाउजेंड के ऊपर मार्केट आए ही ना यहाँ के बाद ये सीधा सिक्सटी थाउजेंड का प्राइस टच कर दे ये मैं एक एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने तो आपको उस अपने प्राइस को वेट नहीं करना चाहिए मार्केट के सेंटिमेंट जैसे हैं उसे समझना चाहिए नीचे जाता हुआ लग रहा है तो आप एग्जिट कर जाओ जो भी लेवल है या फिर किसी एक लेवल पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करो ठीक है जिनकी बाइंग की पोजीशन है और वो अभी भी उस लेवल को देख रहे हैं कि अब एक पर्टिकुलर लेवल पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊं तो वो कौन सा रहेगा वो प्राइस है सिक्सटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवेंटी फाइव ये एक प्राइस है जो एज अ सपोर्ट नज़र आ रहा है करंट प्राइस से हम ये समझ सकते हैं कि करीब करीब पाँच सौ पॉइंट नीचे है पाँच सौ हाँ पाँच सौ पॉइंट नीचे है तो यहाँ पर अगर ये प्राइस ब्रेक होता है इसके नीचे मार्केट आधा एक घंटा सस्टेन करता है तो आपको ज़रूर इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए ठीक है एक और चीज़ के मार्केट में अगर कोई प्राइसेस ये एकदम से यहाँ से टर्न लेते हैं और ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं तो कहाँ पर हमें रिवर्सल प्राइस नज़र आ सकता है वो प्राइस रहेगा सिक्सटी ये प्राइस रहेगा ये काफ़ी ऊपर है पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट को रिवर्सल मतलब फॉर द टाइम बिंग इट विल ट्राई टू सस्टेन अबव अ सर्टेन लेवल 65,700 के ऊपर काफ़ी टाइम के लिए ये अपने आप को सस्टेन कर सकता है अगर मार्केट में ये प्राइस ब्रेक हुआ और इसके ऊपर थोड़े से देर के लिए इसने होल्ड करने की कोशिश करी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ पर नजर आएगी वो प्राइस रहेगा सिक्सटी नाइन थाउजेंड इस प्राइस के चेंज होने की एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी है कि ये चेंज होता रहेगा ये प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के लिए अभी काम कर रहा है ठीक है तो इंट्रा के लिए लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं दो लेवल्स हैं डाउन साइड में अगर हम देखें जो सपोर्ट का, का काम करेगा सिक्सटी वन थाउजेंड सेवन सेवेंटी फाइव और ऊपर में जो काम करेगा जो रेजिस्टेंस का इंट्राडे या स्टॉप लॉस कह सकते हैं वह सिक्सटी टू थाउजेंड नाइन ट्वेंटी फाइव ये दो लेवल है तो ये था मेरा सिल्वर यू सॉरी सिल्वर एम सी एक्सपे अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करें शेयर करें बने रहें मेरे साथ देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट धन्यवाद